स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में यहाँ गुनगुन बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बुआ गरिमा काफी रो रही है। तो यहाँ दूसरी ओर आप देखेंगे कि अनु और बाकी सब घर वाले घर पर होंगे। एक बार फिर से चाचा जी और बाकी सब अनु से बात करते हुए नजर आएंगे और वो सब उससे चिढ़ रहे होंगे और उसे परेशान कर रहे होंगे कि वो गुनगुन की परवाह करता है, उसकी फिक्र करता है। वह हमेशा की तरह अनु को इस बार भी उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन तभी आप देखेंगे कि गुनगुन का फोन आएगा अनु के पास और जैसे ही गुनगुन का फोन उनको दिखेगा वो सब बहुत खुश होंगे और उसे परेशान करने लगेंगे। लेकिन अनु कहेगा कि अगर इतनी रात को फोन आया है तो पक्का कुछ जरूरी काम होगा। वल गुनगुन यहाँ बात करेगी अनु से कि वो एक बार आकृति से बात करे क्योंकि उसकी बुआ ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। लेकिन अनु कहेगा कि वो कोई चाबी वाला नहीं है, वो साइंटिस्ट है। लेकिन गुनगुन कहेगी कि उसे आकृति से बात करनी ही होगी। वह एक बार फिर से उनकी वही क्यूट सी नोकझोंक शुरू होने वाली है जो हमेशा ही दोनों के बीच होती रहती है। यही आप देखने वाले हैं कि अगली सुबह मिलेगा अनु आकृति से, वो उससे बात करते हुए नजर आएगा, उसे समझाते हुए नजर आएगा। लेकिन आकृति यहाँ गुनगुन अपनी माँ गरिमा इनकी सबकी बुराई करते हुए नजर आएगी और जब आकृति को ये पता चलेगा कि गुनगुन और अनुभव की शादी तय हो गई है तो ये बात जानने के बाद वो और भी ज्यादा चिढ़ने वाली है गुनगुन से। जी हाँ, वो फिर से कहेगी अनु से कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं। वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते बल्कि उन्हें कोई अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। लेकिन अनुभव बता देगा कि उनकी शादी सिर्फ एक साल के लिए ही है, वो भी उस लड़की को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आकृति को अब बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी होने वाली है ये बात जानकर कि गुनगुन और अनुभव की शादी हो रही है। वहीं आप देखेंगे कि गुनगुन फिर से अनुभव को फोन करेगी और कहेगी कि वो लड़की आकृति उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती है और वो अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती है। जब अनुभव कहेगा कि वो भी तो अपनी मम्मा से ऐसे ही बात करती है तो इस बात से गुनगुन बहुत गुस्सा हो जाएगी कि वो नहीं जानते हैं कि उनकी मम्मा को उनकी कोई परवाह है ही नहीं। मतलब यहाँ देखना ये होगा कि क्या कभी अनुभव देख पाएगा परेशानी गुनगुन की, क्या उसे पता लग पाएगा कि गुनगुन कितना परेशान है। अब क्या कुछ शो में होगा ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर कभी कभी इत्तेफाक से।